नमस्कार दोस्तों, बाय स्टडी बीरबल यादव यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फिर से मैं आपके पास आया हूँ टॉप 20 मॉर्निंग सुबह 7 बजे के साथ। मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ। टॉप 20 पर्सन जो आज पर्सन है वो है बेटा कूट लेखन। किसके पर्सन है? कूट लेखन के, जिसे आप कोडिंग डिकोडिंग सांकेतिक भाषा, अपनी भाषा, विशेष भाषा, गुप्त भाषा का नाम देते हो। और कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस क्लास टू है मेरे दोस्तों। जो अपन ने पहली क्लास में देखा था, उसमें देखा था कि शब्दों को अंक दे रहे थे। क्या कर रहे थे मेरे दोस्तों? शब्दों को अंक दे रहे थे। आज क्या है, किसी शब्द का विशेष कूट देखेंगे, तो उन प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। ठीक है दोस्तों, और ये प्रश्न संख्या 1 जो आपकी स्क्रीन पर आया है दोस्तों, वो आप देखने का प्रयास करें। प्रश्न संख्या 1 आपकी स्क्रीन पर आ गया है मेरे दोस्तों, और प्रश्न को देखना है और देखकर प्रश्न को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है कि कौन सा उत्तर सही होगा और कौन सा गलत होगा। यहां थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों, प्रश्न की बात कर रहे हैं अपन, तो प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न को आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, प्रश्न को करने की कोशिश करें। मैं आपको बताता हूं बेटा थोड़ा सा इस प्रश्न के बारे में। जैसे BLOOD, इसको कोई भी कूट लिपि है, कोई भी सांकेतिक भाषा है, कोई भी अपनी भाषा है, इसमें लिखा गया है EIRLG, यानी इसने ऐसी कौन सी प्रक्रिया को अपनाया जिसके कारण इसका ये कार्य हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये बी है, और इस बी में मैंने प्लस कर दिया मेरे दोस्तों 3। बी में प्लस 3 करते हैं तो अपने को क्या प्राप्त हो जाता है? ई प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही जैसे दोस्तों क्या है, एल है। अब की बार मैंने क्या किया है, 3 माइनस, और एल में 3 माइनस करते हैं तो आई प्राप्त हो जाता है। फिर दोस्तों, फिर मैंने यहां से क्या किया, +3, और +3 हो गया तो क्या हो गया दोस्तों, आर। और फिर ओ में फिर मैंने क्या कर दिया दोस्तों, 3 माइनस कर दिया तो क्या हो गया, एल। और फिर डी में क्या कर दिया, 3 प्लस, और 3 प्लस कर दिया तो क्या हो गया, जी हो गया। यानी अपन ने कौन सी प्रक्रिया अपनाई, पहले 3 प्लस, फिर 3 माइनस, फिर 3 प्लस, फिर 3 माइनस, फिर 3 प्लस और 3 माइनस। यानी एक बार क्या हो रहा है दोस्तों, माइनस हो रहा है, और एक बार क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। ये अपने एक सार्थक प्रक्रिया हो रही है। तो अपने को शब्द कौन सा मिला है दोस्तों, ये मिला है, यानी PER IO और D, ये शब्द मिला है। और इस शब्द को क्या करना है मेरे दोस्तों, आपको इसके अकॉर्डिंग जो नियम पहले पद में लगता था, वही नियम अपने को दूसरे पद में लगाना है। यानी ये दूसरा पद है, और दूसरे पद में क्या करना है, सबसे पहले इसने क्या किया था, प्लस, पी में हम 3 जोड़ दें, पी में 3 जोड़ दें तो अपने को क्या प्राप्त हो जाता है, एस। अपन ने आपकी पहली बार क्या किया है दोस्तों, प्लस। अब ई की बारी आई तो ई में क्या करते, 3 माइनस, और 3 माइनस कर दे तो क्या आ गया दोस्तों, बी। अब देखो एस बी से ये प्रारंभ हो रहा है, एस बी से ये प्रारंभ हो रहा है, ये भी गलत, ये भी गलत। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आई, और आई में अब की बारी क्या करें दोस्तों, +3, ऊपर 3 माइनस कर रहे थे तो +3। आई में क्या कर दे दोस्तों, इससे पहले आर रहा है तो आर में कितने प्लस कर दे, +3, और आर में 3 प्लस करोगे तो आपको दोस्तों क्या प्राप्त हो जाएगा, यू। और आई में 3 माइनस करोगे तो एफ, ओ में 3 क्या करोगे दोस्तों, प्लस तो क्या आएगा, आर। और डी में क्या करोगे दोस्तों, 3 माइनस, और डी में 3 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ए। यानी अपना आंसर हो गया SBUFRA, SBUFRA, ये पहला ऑप्शन अपना क्या हो गया दोस्तों, सही। यानी पहले में क्या आया, 2, पहले का उत्तर क्या आया, 2। ये फर्स्ट नंबर का प्रश्न था, फर्स्ट नंबर में दूसरा ऑप्शन आपने जो बना हुआ है SBUFRA, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपके कूट लेखन को, प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न संख्या 2 में चलते हैं दोस्तों, 2 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और इसको पढ़ना है और आपको आंसर देना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। STOVE को लिखा जाता है FNBLK, तो इसी कूट भाषा में VOTES को क्या लिखा जाएगा।
थोड़ा सा दोस्तों ध्यान देने का प्रयास करें, द एस टी ओ वी ई है और यहां पर भी क्या है वी ओ टी एस ई एस लिखा हुआ है, तो इन्हीं शब्दों को ये आगे पीछे करके लिख रहा है, इन शब्दों को यहां पर क्या कर दिया है इसने आगे पीछे कर दिया है। तो अगर इसको अपन ने ये लिखा तो इसके उत्तर अपने को जो प्राप्त होंगे वो इसी में से प्राप्त होंगे, इसके उत्तर प्राप्त होंगे वो मेरे दोस्तों इसी में से प्राप्त होंगे। मगर इन वर्णों को इसने कैसे लिख रखा है, जिसे पहले क्या था एस, फिर क्या था टी, फिर क्या था वी और फिर क्या था वी और फिर क्या था ई, और इसको लिखा है इसने क्या लिखा है एफ एन बी एल के, ये इस पर्सन वाले ने लिख रखा है दोस्तों। अभी इन्हीं वर्णों को वो लिख रहा है जैसे वी ओ टी ई एस, इन्हीं वर्णों को इसने आगे पीछे करके लिख दिया। तो अब अपन क्या करें दोस्तों, अगर इन वर्णों को इसने आगे पीछे करके लिखा तो इनको अपन आगे पीछे करके लिख दे, जैसे वी यहां पर है और वी का क्या है एल है, तो अपन सबसे पहले क्या लिखे दोस्तों एल, फिर ओ, ओ देखो मध्य में है, मध्य में क्या है बी, तो फिर अपन क्या लिखे बी, फिर टी, पी टी सेकंड लास्ट पर है, सेकंड लास्ट पर क्या आ गया दोस्तों एन, ई लास्ट में है, लास्ट का क्या है दोस्तों के, और एस है शुरू का है दोस्तों, लास्ट में लिखा गया है एस को क्या लिख रहा है दोस्तों, एस को क्या लिख रहा है एफ, ये आपका आंसर हो गया। आपका आंसर क्या हुआ एल बी एन के एफ, एल बी एन के एफ, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, यानी जो नियम आप ऊपर लगा रहे थे, जो नियम पहले वाले पद में लग रहा था वही नियम यदि दूसरे पद में लगाते हैं दोस्तों तो इसका आंसर अपने को प्राप्त हो जाता है, अपना आंसर कौन सा होता है फर्स्ट वाला अपना आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या किस में पहुंच जाते हैं तीन में, प्रश्न संख्या तीन आपके लिए स्क्रीन पर आ गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों, जल्दी कीजिए, टाइम का बहुत ही अभाव रहता है इन प्रश्नों के लिए, तो इन प्रश्नों में अपन महत्वपूर्ण निर्देशों के साथ चलते हैं मेरे दोस्तों कि इन प्रश्नों को किस प्रकार से अपने को हल करना पड़ता है। यहां देखिए एक कूट भाषा में पीई एन को लिखा जाता है एन जेड ओ लिखा जाता है, इसी सांकेतिक भाषा में बी ए आर के को लिखा जाता है सी टी एस एल, तब उस भाषा में पी आर ए एन के को क्या लिखा जाएगा। आपको सबसे पहले इन दोनों जोड़ों के बारे में पता लगाना है कि इन दोनों जोड़ों में हुआ क्या है। आपने देखा प्रश्न में, यहां देखा तो आप देखो बिल्कुल सीधा सीधा है पी ई एन एन जेड ओ और यहां है बी ए आर के सी टी एस एल। अब देखो इन ये जोड़ा देखना है दोस्तों और ये जोड़ा देखना है, इन दोनों जोड़ों को मिलाकर एक ये जोड़ा बन रहा है, इन दोनों जोड़ों को मिलाकर ये जोड़ा बन रहा है। तो अगर इस जोड़े के अपने को उत्तर प्राप्त करने हैं, क्या प्राप्त करने हैं उत्तर प्राप्त करने हैं, तो इन्हीं दोनों जोड़ों को जो यहां पर उत्तर दे रखा है इसमें से आपको उत्तर निकालना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले यहां क्या है पी है मेरे दोस्तों, तो यहां पी को क्या लिख रहा है वो एन, तो आप यहां पी को क्या लिख सकते हैं एन, और देखो एन से शुरुआत हो रही है, आगे बढ़ते हैं। यहां दूसरा वर्ण क्या है दोस्तों आर है, तो आर देखो इस लाइन में नहीं है, आर इसमें और आर इसमें क्या है सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट में क्या है दोस्तों एस, तो आप आर को क्या लिख सकते हो एस लिख सकते हो। इसी प्रकार यहां पर क्या है ए, ए देखो दोस्तों यहां पर सेकंड है, सेकंड में क्या आ गया दोस्तों टी आ गया, फिर आगे बढ़ते हैं एन, एन इसमें है दोस्तों लास्ट वाला, एन को क्या लिख रहा है ओ, तो यहां आप एन को क्या लिख दे ओ। अब क्या बचा दोस्तों के किसमें, इसमें लास्ट है के को क्या लिख रहा है एल, तो ये दोस्तों क्या हो गया एल, ये पांच वर्ण थे ये पांचों इसके अर्थ पता चल गए। अब अपना क्या रहा दोस्तों एन एस टी ओ एल रहा, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है एन एस टी ओ एल, ये ऑप्शन नंबर तीन मैच हो गया, तो ये अपना आंसर प्राप्त हो गया दोस्तों, यानी इन्हीं दोनों को प्रथम वाले कूट को सेकंड वाले कूट में परिवर्तित कर रहा था, तो इसी कूट में यहां पर अपन कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार आपको प्रश्न का आंसर देना है, वीडियो में आप कमेंट्स करते रहिए, प्रत्येक प्रश्न का मेरे दोस्तों आंसर देते रहिए कि किस प्रकार से आंसर आपको प्राप्त हो रहा है, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन जरूर दबा दें, और घंटी तो आपको दबानी है ही है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है और प्रश्न संख्या चार आपकी स्क्रीन पर है मेरे दोस्तों, और प्रश्न संख्या चार को आप देखते हुए हल करने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न, यदि एम
IND को कूट भाषा में KGLB और ARGUE को कूट भाषा में YPESC लिखा जाता है, तो इसी प्रकार इसी सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। यहां पर भी थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा दोस्तों आपने, तो वही जो पहले वाला प्रश्न किया है उसी का नियम यहां पर लग रहा है। क्या लग रहा है, जैसे ये पहला वाला वर्ण है दोस्तों माइंड, इसका उत्तर ये प्राप्त हो रहा है दोस्तों, और इसी प्रकार ये जो ARGUE है इसका उत्तर ये प्राप्त हो रहा है। अब देखो इन दोनों को मिलाकर यहां पर फिर से ये वर्ण का निर्माण हो रहा है, इन दोनों को मिलाकर यहां पर वर्ण का निर्माण हो रहा है, तो इस बात पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ये जो चीज आपको यहां पर दिखाई दे रही है इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि इन वर्ण MIND को लिखा KGLB और ARGUF को लिखा YBESE, तो अब इन दोनों शुरू वाले इन दोनों को मिलाकर अगर इनके उत्तर ऐसे बनाता है तो इन दोनों के उत्तर में से यहां अपने को इनका उत्तर बनाना है। जैसे डी, अब डी इसमें लास्ट है, अब इसका लास्ट क्या है दोस्तों बी, तो आपको बी से शुरू करना है। आई इसमें है, सेकंड वाला है, सेकंड वाला दोस्तों क्या है जी। फिर क्या है दोस्तों ए, देखो ए इसमें नहीं है पर ए इसका फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या आ गया वाई, तो ये वाई हो गया। अब जी रहा दोस्तों, जी इसमें नहीं है, इसमें बीच में है जी, इसमें बीच में क्या है ई, तो ये ई हो गया। आर, आर ऊपर वाले में नहीं है, नीचे वाले में सेकंड है, सेकंड में क्या है पी, तो आर का क्या लिखेंगे पी। ए का पहले भी आया है, ए का पहले क्या आया है जी, और एम, ए का पहले क्या आया है दोस्तों वाई, ए का पहले क्या आया है वाई आया है, तो अपने को क्या लिखना था वाई, और लास्ट में क्या बचा दोस्तों एम, एम का क्या लिखना है के, और ये एम का के, तो अपना जो वर्ण बन रहा है वो बन रहा है BGYEPYK। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं, बी से शुरू वाला है BGYEYEYEY यहां ही मैच हो गया दोस्तों YEPYK, ऑप्शन नंबर टू अपना सही हो गया, यानी ऑप्शन नंबर दो अपना सही है इस प्रश्न में। ये जो सामान्य कूट की भाषा का जो प्रश्न है इस प्रकार के प्रश्नों में अपने कार्य करते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या पांच, बहुत ही अच्छा प्रश्न है पांच, और आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे दोस्तों, तो आप देखिए प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। वही है FIRST को लिखा गया HKTUUV लिखा गया, तो उसी भाषा में क्या है दोस्तों SECONDको क्या लिखा जाएगा। यहां पर देखने योग्य बात है मेरे दोस्तों कि आपने देखा कि F है और F में मैंने दो प्लस कर दिया तो H प्राप्त हो गया, I में दो प्लस कर दिया तो K प्राप्त हो गया, और R में दो प्लस कर दिया तो T प्राप्त हो गया, S में दो प्लस कर दिया तो U हो गया, और T में दो प्लस कर दिया तो V आ गया। यानी प्रत्येक वर्ण में दो दो प्लस कर रहे हैं मेरे दोस्तों, प्रत्येक वर्ण में कितने प्लस कर रहे हैं दो दो प्लस कर रहे हैं। जो नियम प्रथम पद में लगता है वही नियम सेकंड पद में लगेगा। आपको क्या करना है SECOND में लिखा जाता है। अब देखो सब में दो दो प्लस करें तो S में दो प्लस करो मेरे दोस्तों, S में दो प्लस करते हो तो क्या आता है U आता है, E में दो प्लस करते हो तो G आता है, कितने प्लस करने हैं दो, C में दो प्लस करते हो तो E आ जाता है, O में दो प्लस करते हो, O में दो प्लस करोगे तो दोस्तों क्या आएगा Q आता है, N में दो प्लस करो तो P आता है, और D में कितना प्लस करना है दो प्लस करें तो F आता है, ये आपका आंसर हो गया UGEQPE। अब देखो UGEQPF ये लास्ट वाला ऑप्शन नंबर चार आपका मैच कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर चार आपका आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न था दोस्तों, जल्दी से कमेंट्स करिए और प्रश्न संख्या सात आपकी स्क्रीन पर है उसे हल करने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है मेरे दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। यदि GOSEPH को कूट भाषा में FKOALD लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में GEORGE को क्या लिखा
जाएगा। वही नियम प्लस माइनस का करना है मेरे दोस्तों, तो विशेष ध्यान देना है। अब की बार बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रश्न क्या है, जे ओ एस ई पी एच को लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, एफ के ओ ए एल डी। अब यहां इसका प्रयास करें कि इसको लिखा कैसे गया है। यहां देखे तो जे है, जे में माइनस चार किया गया, ओ है, ओ में माइनस चार किया गया, ये क्या है, एस है, एस में माइनस चार किया गया, ई में माइनस चार किया गया, पी में माइनस चार किया गया, एच में माइनस चार किया गया। प्रत्येक वर्ण में चार चार माइनस से कर रहा है। जो नियम पहले वाले पद में लगता है वही नियम दूसरे वाले पद में लगा दो। दूसरे वाला पद क्या है, जी ई ओ आर जी ई, और कितने थे माइनस कर रहा है, चार चार माइनस कर दे, जी में चार माइनस करते तो सी आता है, ई में चार माइनस करते तो ए आता है, ओ है, ओ में चार माइनस करते हैं तो के आता है, आर में चार माइनस करते हैं तो एन आता है, जी में चार माइनस सी और ई में चार माइनस ए, यानी सी ए सी ए सी ए सी ए के एन सी ए, यानी ऑप्शन नंबर टू आपका सही आ गया। जो ऑप्शन नंबर टू दिया वो आता, वो आपका आंसर सही आ गया। यानी नियम कैसा भी हो, नियम सार्थक होना चाहिए, नियम समांतर होना चाहिए। यदि नियम समांतर है तो उत्तर आपके निश्चित रूप से ही समांतर आएंगे। प्रश्न संख्या सात है दोस्तों, प्रश्न संख्या सात में बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और प्रश्न को पढ़िए और आंसर देने का प्रयास करें। यदि वाटर को लिखा जाता है, W A T E R को लिखा जाता है, Y C V G T, तो H K T G को क्या लिखा जाएगा। देखो दोस्तों वही नियम जो अपन ने पहले पढ़ा था, प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू और प्लस टू, यानी प्रत्येक वर्ण में यह दो दो जोड़ रहा है, यानी दो दो प्लस करने पर अगला पद प्राप्त हो जाता है। जो नियम पहले वाले पद में लगता है वही नियम दूसरे वाले पद में लगे, जैसे एच के टी जी, और इसके प्रत्येक वर्ण में कितने थे जोड़ देने हैं, दो। जैसे एच है, एच में दो जोड़े तो क्या आया, जे। के है, के में दो जोड़ दिया तो क्या आ गया, एम। टी है, टी में दो जोड़ दिया तो क्या आ गया, वी। और जी है, और जी में दो जोड़ दिया तो क्या आ गया, आई। यानी आपका उत्तर क्या आया दोस्तों, जे एम वी आई, जे एम वी आई ऑप्शन मैच होता है तो ये आपका आंसर हो गया। यहां देखिए जे एम वी आई, यहां लास्ट में जे था और यहां जे एम जे वी, ये भी नहीं हो रहा था, ये उल्टा लिखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन सीधा सीधा कौन सा मैच हो गया, सात ऑप्शन आपका मैच हो गया। यानी नियम समांतर लाते हो दोस्तों तो प्रश्न के उत्तर निश्चित रूप से समांतर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या आठ आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एस टी वाई एल ई को लिखा जाता है, पी क्यू वी आई बी कोड लिखा जाता है, तो उसी कोड में इसको क्या लिखा जाए, एस एम ई डबल एल को क्या लिखा जाएगा। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करें दोस्तों, जैसे पी है, एस है, एस का पी लिखा गया, एस का पी लिखा गया तो माइनस तीन, टी का क्यू लिखा गया तो माइनस तीन, वाई का वी लिखा गया तो माइनस तीन, एल का आई लिखा तो माइनस तीन, और ई का बी लिखा गया तो भी माइनस तीन। प्रत्येक वर्ण में तीन तीन माइनस कर रहा है, तो जो नियम प्रथम पद में लगता है वही द्वितीय में, एस एम ई डबल एल क्या करना है, माइनस तीन करना है। एस में माइनस तीन करोगे पी आएगा, एस में माइनस तीन पी, एम में माइनस तीन, एम में माइनस तीन करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, जे। ई में माइनस तीन करोगे तो क्या आएगा, बी। और एल में माइनस तीन करोगे तो आएगा आई, और आई एल में माइनस तीन करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, आई। यानी क्या हुआ, पी जे बी डबल आई। अब देखो पी जे बी डबल आई, पी जे बी डबल आई, पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। यानी नियम कोई भी हो, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, नियम समांतर होना चाहिए। यदि नियम समांतर है तो निश्चित रूप से आपके उत्तर भी समांतर आते हैं। आगे बढ़ते हैं, नौ नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही अच्छा प्रश्न एक और आपके लिए लेकर आए हैं, और इस प्रश्न को शानदार तरीके से आप हल कर सकते हैं। एक कूट भाषा में
एम डबल ए आर के को लिखा जाता है के आर डबल ए एम, यानी आपने यहां देखते ही पकड़ लिया होगा मेरे दोस्तों। जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करें, जल्दी करें मेरे दोस्तों। यहां आपने देखा होगा बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ण को पीछे से लिखा जा रहा है, प्रत्येक वर्ण को क्या किया जा रहा है पीछे से लिखा जा रहा है, यानी इसको उल्टा करके लिख दिया तो अपने पास क्या लिखा गया है पी ए डबल एस आई, ये लिखा गया है। सारे को उल्टा करके लिख दूं तो क्या लिखूं आई डबल एस ए पी, ये आपका आंसर हो गया, उल्टा कर दिया, पीछे वाला आगे कर दिया, आगे वाला पीछे कर दिया। अब देखो आई डबल एस ए पी, आई डबल एस ए पी, पहला वाला ऑप्शन मैच हो रहा है तो ये आपका आंसर है कंप्लीट दोस्तों। बहुत ही आसान प्रश्न था, अच्छा प्रश्न। अब प्रश्न संख्या 10 स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपको आसानी से आंसर दिए जा सकते हैं। जैसे जे यू एन ई, इसको किसी भी कूट भाषा में या सांकेतिक भाषा में पी क्यू आर एस लिखा गया है, ये लिखा गया है। उसी प्रकार अगस्त है ए यू जी यू एस टी को लिखा गया डब्ल्यू क्यू एफ क्यू एम एन, ये इसको लिखा गया है, आपने यहां देखा इसको ये लिखा गया है और इसको ये लिखा गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों जी यू ई एस टी को लिखना है, तो ये शब्द आपने देखते ही एक पहचान कर ली होगी मेरे दोस्तों कि ये जो शब्द बना हुआ है इन्हीं दोनों वर्णों के जे यू एन ई व ए यू जी यू एस टी से मिलकर बना है, इन्हीं की मीनिंग यहां ली गई है। तो अब अपने को क्या करना है, अगर इसका उत्तर लिखना है तो इन्हीं की मीनिंग में से लिखा जा सकता है। तो अपने को प्रत्येक वर्ण पहले इसमें देखना है, इसको क्या लिखा गया है वो देखकर इसका आंसर आसानी से दिया जा सकता है। जैसे जी से शुरुआत हो रही है, ये जी है मेरे दोस्तों और ये जी को क्या लिखा जा रहा है, ये एफ लिखा जा रहा है, जी को एफ लिखा जा रहा है, तो मैं यहां ये लिख दूं जी के बराबर दोस्तों क्या लिख दूं एफ लिख दूं, जी के आगे यू है और एफ के आगे क्या क्या है क्यू, तो इसका ये क्यू हो गया, यानी यू का क्या हो गया दोस्तों क्यू हो गया। अब यहां पर क्या बचा दोस्तों ई आया है, ये ई इसमें तो है नहीं, ऊपर वाले पद में है और लास्ट में है, और इस पद के लास्ट में क्या है दोस्तों एस है, तो इसका क्या हो गया ई का क्या हो गया दोस्तों एस, क्यू का यू का क्यू। अब देखिए एस टी और यहां भी एस टी, तो अंतिम दोनों वर्ण ये उठा ले तो एम और एन, ये इसका आंसर पाएगा एफ क्यू एस एम एन, एफ क्यू एस एम एन, ऑप्शन नंबर टू आपका सही होगा। टॉप 10 में आपका स्वागत था दोस्तों, आप जो जुड़े रहे इसके लिए धन्यवाद। कल फिर से आपके साथ टॉप 10 प्रश्न लेकर मैं मॉर्निंग में सुबह 7 बजे हाजिर रहूंगा। धन्यवाद।